Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 17 में, जहाँ आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन VCRS सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। आप प्लीज़ अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने ये पढ़ लिया होगा। सो द समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, देखिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कुछ टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि HF, HFG और HG। ये चीज़ क्या होती है, ये मैं आपको PH और TS डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये कौन सी है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो इस लाइन पर जो भी हमें एंथैल्पी मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, HG से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एग्जांपल में दिया जा सकता है HG। तो HG क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर, मतलब इस लाइन पर जो भी आपको एंथैल्पी मिलेंगी वो क्या रहेगा, HG। वैसे अगर आपको एंट्रोपी दिया रहा तो एंट्रोपी कैसे लिखा रहेगा, SG, ठीक है। वैसे अगर TS डायग्राम में देखोगे तो TS डायग्राम में भी यहाँ पर ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, HG वाला, जी मतलब वेपर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो लिक्विड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, HF, ठीक है, और एंट्रोपी रही तो, ठीक है। और बीच में ये देखो, ये जो बीच का रीजन है यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, लिक्विड और वेपर दोनों मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HFG, FG से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म्स को याद में रखना, ये तीनों टर्म्स अपने को बहुत काम में आएंगी, तब जाके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपका COP का, COP होता है रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर, जिसको अपन H1 - H4, H2 - H1 बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हर प्रॉब्लम में लगेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर कहाँ मिलने वाला है अपने को, पावर मिलेगा कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर का मास इंटू H2 - H1। रेफ्रेटिंग इफेक्ट कहाँ मिलेगा, इवोपरेटर में, मास इंटू H1 - H4। ये आप लोगों को मैंने समझाया था, ठीक है। अभी आज के वीडियो में हमें सिर्फ ये 1, 2 और 3 फॉर्मूले लगेंगे, बाकी के फॉर्मूले हमें अगले अगले वीडियोस में लगते जाएंगे। एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे एंथैल्पी जो रहेगी ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। बिफोर एंटरिंग, बिफोर थ्रोटलिंग और आफ्टर थ्रोटलिंग, मतलब एंथैल्पी क्या रहेंगी इसकी, सेम रहेंगी। तो H3 = H1 - H3 = H4, तो ये चार फॉर्मूले अपने को ये वीडियो में लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहे आपके लर्निंग आउटकम, प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था समर 2017 - समर 2018 में, ठीक है। द अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल, कौन से साइकिल पे काम कर रहा है, वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल। द रेफ्रिजरेंट इज सबकूल्ड बाय 3 degrees Celsius बिफोर एक्सपांशन। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सबकूलिंग हो रही है, एंड सुपर हीटेड बाय 15 degrees Celsius, सुपर हीट भी हो रहा है बिफोर इट एंटर्स द कॉम्प्रेसर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे वीडियो नंबर 2 में समझाया था कि आपको कौन सी प्रोसेस है सबसे पहले ध्यान में रखना है, यहाँ पर दोनों भी प्रोसेस हो रही है, सबकूलिंग भी हो रहा है, सुपर हीटिंग भी हो रहा है। शो द साइकिल ऑन PH एंड TS चार्ट, तो आपको PH और TS चार्ट भी बनाना है। कैलकुलेट द COP एंड पावर रिक्वायर्ड पर kg ऑफ रेफ्रिजरेंट। COP निकालना है और पावर निकालना है, आपको फॉलोइंग टर्म्स दी है एंथैल्पी वगैरह की। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, PH और TS चार्ट बना लीजिए। तो ये रहा आपका PH और TS चार्ट। देखो यहाँ पर क्या बोला था उसने, सुपर हीटिंग भी हो रही है, तो भैया सुपर हीटिंग दिखा दो, सब कूलिंग भी हो रही है तो सब कूलिंग भी दिखा दो भैया, चलो हो गया अपना काम। दूसरा क्या बोल रहा है, सुपर हीटेड कितने डिग्री से हो रहा है, 15 degrees से हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो कि सुपर हीटेड बाय 15 degrees Celsius और सब कूल्ड बाय 3 degrees Celsius, ठीक है। तो ये रहा आपका PH और TS डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है अपने को, सबसे पहले दिया एंथैल्पी एट द कॉम्प्रेसर इनलेट। तो कॉम्प्रेसर का इनलेट कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्रेसर का इनलेट का है पॉइंट नंबर 1, तो H1 कितना हो जाएगा,
1460 किलो जूल पर केजी। सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी एट कॉम्प्रेसर आउटलेट, कॉम्प्रेसर का आउटलेट कहाँ पे है, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू पे क्या मिलेगा अपने को, H2 1796। तीसरा पॉइंट क्या है, एंथैल्पी इनलेट टू द एक्सपांशन वॉल, एक्सपांशन वॉल का इनलेट, एक्सपांशन वॉल का इनलेट कौन सा है भाई, पॉइंट नंबर थ्री, तो H3 मिल गया। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहला एक ही काम करना कि H1, H2, H3, H4 चारों भी एंथैल्पी फाइंड आउट कर लो, आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अपने को तीन एंथैल्पी मिल गई, चौथा एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं। चौथा एंथैल्पी कहाँ मिलेगा, देखो H1 मिल गया, H2 मिल गया, H3 मिल गया, तो H3 इक्वल टू H4 होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस बिफोर एंड थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग और आफ्टर थ्रोटलिंग दोनों इक्वल रहेंगे, तो H3 इक्वल टू H4। ठीक है, तो अपने को तीनों चारों एंथैल्पी मिल गई, H1, H2, H3, H4। तो अब हम COP निकाल सकते हैं आराम से। COP का फॉर्मूला क्या होता है, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, दोनों का भी डिफरेंस ले लो, तो अपने को मिलेगा यहाँ पर COP। आंसर नंबर वन तैयार। दूसरा, दूसरा क्या निकालने बोला था, पावर। पावर कहाँ मिलेगा, कॉम्प्रेसर में, कॉम्प्रेसर के एंथैल्पी का डिफरेंस लेने का, H2 माइनस H1 इंटू मास, मास लेंगे, मास कितने के लिए बोला उसने, पर टन, मतलब एक टन के लिए, इसको अपने को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 60 कर दिया। ठीक है, तो H2 माइनस H1 कर दो, तो ये आपका वैल्यू आ गया पावर का 5.6 किलोवाट। सिंपल सा प्रॉब्लम था, क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ा प्रोसेस कौन सी है, उसके लिए मैंने डायग्राम बना लिया। डायग्राम आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी एंथैल्पी दी थी एंथैल्पी निकाल लो, पूरे एंथैल्पी चारों भी, और जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूलाज वहाँ पे पुट करके आंसर निकाल दो, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सिंपल VCC सिस्टम, VCC मतलब VCRA सिस्टम ही होता है बेटा, ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ R134A, रेफ्रिजरेंट दिया है एट वेरियस पॉइंट, द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम फॉर द कॉम्प्रेसर इज 1.5 लीटर्स पर स्ट्रोक, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम दिया है, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दी है 80%, स्पीड ऑफ कॉम्प्रेसर दिया है N दिया है, पता करने का बोला है कॉम्प्रेसर का पावर क्या है और रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, अब इसने इसने कुछ भी नहीं बोला कि ये सब कूलिंग हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब क्या है अपना, सिंपल सा प्रोसेस है, तो सिंपल सा प्रोसेस है तो उसके लिए सिंपल वाली डायग्राम, सिंपल VCRA सिस्टम वाली। ठीक है, तो मैंने सिंपल VCRA सिस्टम की डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना लिया डायग्राम, अब देखते हैं अपने को क्या क्या गिवन डेटा दिया है। सबसे पहला क्या बोला है, कॉम्प्रेसर इनलेट H1, कॉम्प्रेसर का इनलेट बोले तो 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट पे अपने को क्या दिया है, H1 दिया है 183.2 किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एग्जांपल में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर कोई कोई एग्जामिनर वहाँ पर HF लिख देगा, कोई उसको H- लिख देगा। ठीक है, आप अपने नोटेशन से लेके चलो, अपने नोटेशन मतलब आप जो डायग्राम में जो नोटेशन ले चला रहे हो 1 2 3 4, वही नोटेशन लेके चलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ठीक है, ये हो गया H1, उसी प्रकार से क्या बोला, कॉम्प्रेसर के इनलेट पे V1। ठीक है, तो इसका आप V1 भी ध्यान में रख लीजिएगा, आपको अभी काम में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से H2 कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज, H2 कॉम्प्रेसर के डिस्चार्ज कौन सा पॉइंट है, 2, कितना वैल्यू दिया है, 226.6। ठीक है, कंडेंसर का एक्सिट, कंडेंसर का एक्सिट का है 3 पॉइंट, कितना वैल्यू दिया है H3 का, 84.9। तो अब क्या निकालना है अपने को, तीन एंथैल्पी मिल गई, चौथा एंथैल्पी कैसे निकालेंगे भैया, तो अपने को पता है क्या, पता है कि 3 इक्वल्स टू 4 होता है ना, एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग इक्वल्स टू एंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग, H3 इक्वल्स टू H4, तो अपने को वैल्यू मिल गई, चारों एंथैल्पी मिल गए, चलो डालो COP के फॉर्मूले में, H1 माइनस H4 इक्वल्स टू H2 माइनस H1, मिल गया COP। ठीक है, सिंपल था, अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने को निकालना है पावर। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए अपने को क्या क्या गिवन है देखते, अपने को पता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर टन के लिए दिया था, तो अपन ने उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर डाले 3.517, ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद वॉल्यूम दिया है अपने को 1.5 लीटर्स पर स्ट्रोक। ठीक है, स्पीड दिया है 1600 RPM, तो अपन ने वॉल्यूम निकाले, टोटल वॉल्यूम कितना वॉल्यूम वो जा रहा है,
तो कैसे निकालेंगे, 1.5 लीटर्स पर स्ट्रोक मल्टीप्लाई बाय आरपीएम, और उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दी थी, मतलब इतना ही वो काम कर रहा है, तो अपन उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को वैल्यू क्या आया, 1920 लीटर्स पर मिनट, लीटर्स पर मिनट में आया, ठीक है। तो लीटर्स चलता क्या अपने को, अपने को लीटर नहीं चलता, अपन क्या करेंगे उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय करेंगे अपन इसको किससे, 1000 से, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो कितना वैल्यू आ गया, 1.92 मीटर क्यूब पर मिनट, तो मेरे को वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अपने को गिवन था 1 पॉइंट पे, मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, 0.0767 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो क्या मैं इससे मास निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भैया। कैसे निकाल सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या होगा रेफ्रिजरेंट का, मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, और अपने वॉल्यूम निकाल लिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, तो मैं इससे मास आराम से निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम की वैल्यू डाल दो, कितना है, 1.9 मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0706, ये डाल दिया तो इतने को मिल गया मास, कितना मिला, 22.77 किलो जूल पर मिनट। अरे पर मिनट में है ना भैया, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर डालो, डिवाइड बाय 60, 0.4128 kg/s, अपने को मिल गया मास, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, अब चाहिए अपने को रेफ्रेटिंग इफेक्ट निकालना था, तो रेफ्रेटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, कहाँ मिलेगा रेफ्रेटिंग इफेक्ट, 1 × H1 − H4, है ना, H1 − H4, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर डालो, आपको रेफ्रेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। पावर निकालना है, हाँ सॉरी, रेफ्रेटिंग इफेक्ट इसको TR में निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3.517, TR में भी आ जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्रेसर का पावर कहाँ मिलेगा, H2 − H1, मास इंटू H2 − H1, तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आपके हाथ में। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था ये भी, ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ओके। सो यूनिट आउटकम्स अचीव, हम सॉल्व कर पाए न्यूमेरिकल्स ऑन VCRS सिस्टम, और ये भी वही रहा प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड, ये रहे आपके। सो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया है आपको कि देखिए एक VCRS सिस्टम है जो कि R134 पे ऑपरेट कर रहा है, जिसकी टेम्परेचर रेंजेस ये दी है आपको, ठीक है, सैचुरेटेड एट एंट्री ऑफ द कॉम्प्रेसर एंड नो सबकूलिंग, सबकूलिंग नहीं है, सैचुरेटेड कंडीशन है, एंथैल्पी एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन, मतलब एंड ऑफ कॉम्प्रेशन की एंथैल्पी दी है 444, COP का तक पता करना है, पावर पता करना है, और ये अपने को कुछ डाटा दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी की वैल्यू ये है, और 34 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी की वैल्यू ये है। सो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से, जितना भी जमे, ठीक है, तो इसका आंसर आपको ज़रूर मैं दे दूंगा आपके नोट्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू। अगले लेक्चर में भी हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे ऑन VCRS सिस्टम, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।